मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित शिवपुरी जिले का दौरा किया, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि राहत काम संतोषजनक है और जिनके मकानों को नुकसान पहुंचा है उनको मकान बनाकर देंगे। पूरे नुकसान का आकलन करने में अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जमीन पर रहकर काम करती है, कांग्रेस बाढ़ के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को सलाह देते हुए कहा कि राजीव गांधी की जयंती पर कमलनाथ की संकल्प लें कि वो ट्विटर की राजनीति नहीं करेंगे, ट्विटर चलाना छोड़ दें और जमीनी राजनीति करें। मित्रों, कल मैं शिवपुर कला और शिवपुरी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गया था। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि बाढ़ की महाविभीषिका के बाद हमने उस समय तो बचाव का काम किया था और बाद में 12 विभागों को सम्मिलित करते हुए मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई थी और लगातार हम लोग 3 मुद्दों पर काम कर रहे हैं। एक राहत, दूसरा पुनर्वास और तीसरा पुनर्निर्माण। राहत वितरण का काम तेजी से चल रहा है, कई लोगों के खाते में पैसा पहुंच चुका है, फसलों के नुकसान का भी नहीं पहुंचा क्योंकि क्षति के आकलन में समय लगेगा, लेकिन जो तात्कालिक राहत राशि है वो अनाज का प्रबंध, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, टूट गए, उन मकानों का निर्माण करेंगे, तो उसके लिए भी जो हमने तय किया था 1,20,000 रुपए की लगभग राशि, उसका वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। बीमारियां ना फैले इसके आवश्यक उपाय किए गए हैं। तात्कालिक आवास की सुविधा मिल जाए इसकी कोशिश की गई है। कांग्रेस बाढ़ के नाम पे केवल राजनीति करती है, बाढ़ नहीं विकास हो चाहे बाढ़ हो, उनके लिए हर मुद्दा राजनीति का होता है और सवेरे सवेरे ट्यूट फटकारते हैं रोज। अच्छा, इससे आसान राजनीति क्या हो सकती है, ना आना ना जाना, एक ट्वीट करना है बस। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को वो श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो एक संकल्प भी ले लें कि केवल ट्विटर की राजनीति नहीं करेंगे, जमीन के रह के भी हम जनता के बीच राजनीति करने का काम करेंगे। केवल ट्विटर से पार्टी नहीं चलती और ट्विटर से राजनीति भी नहीं चलती।